गंगा नदी में स्नान करने गए दो युवक गहरे पानी में डूबे। डूबते हुए युवकों को देखने पर स्थानीय लोगों ने बचाने का किया प्रयास। मौजूदा लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर क्षेत्राधिकारी लालगंज व टीम ने डूबते हुए युवकों को ढूंढने का किया प्रयास। डिप्टी एसपी के निर्देश पर गोताखोरों की टीम रेस्क्यू में जुटी। एसडीआरएफ की टीम को भी खोजबीन के लिए बुलाया गया। आज वो गंगासो घाट पर स्नान करने के लिए थाना गुरबकसगंज के सहजौरा गांव और गुरबकसगंज के बच्चे दो आए थे स्नान करने के लिए, जिनका नाम सुमित और प्रियांशु था। वो नहाते समय गहरे पानी में चले गए, जिससे डूब गए हैं। उनको ढूंढने के लिए आसपास के गोताखोरों को लगा करके और नाम मलाहों के द्वारा जाल डलवा करके ढूंढा जा रहा है। एसडीएम साहब और हमारे सरीनी पुलिस, मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ। कोशिश की जा रही है ढूंढने और बाहर से भी गोताखोर बुलवाए हैं। लगभग कितने देर सर हो गई यह घटना? लगभग सवेरे 8 से 8:30 के बीच की है सर। घाट में जैसा बताया जा रहा प्रतिबंधित था सर घाट? हाँ, यहाँ पर इधर आने के लिए मनाही था। जो ही चूँकि जो संकटा माँ के मंदिर है उसके साइड में पानी है, कम पानी है, वहाँ लोगों को नहाने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी छुपते छुपाते लोग चले आए थे।